वेलकम टू एस्टेर प्रिपरेशन सीरीज़। कल हम लोगों ने फिजिक्स के 5 क्वेश्चन किए थे और आज भी वैसे ही 5 क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट वाइज करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन के आंसर आए। तो ये जो एग्ज़ाम जो पहले हुआ था जनवरी में, फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो फिर फरवरी में हुआ, उसमें जो फिजिक्स में जो क्वेश्चन आए थे पेपर टू में, ये सारे क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 5 क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट इट वेट। ऐसे टिक तो दिया हुआ है, पर लेट्स सी द ऑप्शन आल्सो। रिमेंस प्रिसाइसली कांस्टेंट, इंक्रीजेस स्लाइटली, डिक्रीजेस स्लाइटली, एंड 4 डेज मे इंक्रीज स्लाइटली और डिक्रीज स्लाइटली। द आंसर इज मे इंक्रीज स्लाइटली और डिक्रीज स्लाइटली। रीजन क्या होगा इसका? इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट इट वेट। तो ऐसे हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg। और इसी कारण क्या होता है कि उसका वेट कभी इंक्रीज करता है थोड़ा सा या फिर डिक्रीज करेगा थोड़ा सा। सो आंसर इज, लेट्स अगेन रिवाइज इट। इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट इट वेट मे इंक्रीज स्लाइटली और डिक्रीज स्लाइटली। रीजन इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव अ मास ऑफ 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg। तो पहला ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक सेकंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, प्लीज लिसन व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन बस 5 ही दिख रहे होंगे। प्लीज लिसन। अगर हम लोग एक पीस ऑफ एबोनाइट लें और एक एनिमल फर लें, दोनों को आपस में कॉलिजन कराएं, मिस रगड़ें, तो क्या होगा? क्वेश्चन आता है क्या होगा, मिस क्वेश्चन इज रब अ पीस ऑफ एबोनाइट अक्रॉस अ पीस ऑफ एनिमल फर, तो क्या होगा? मैं बोलता है क्वेश्चन की एबोनाइट होगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्या होगा रब करेंगे तो? सबसे पहले तो उसका आंसर होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम लोग एबोनाइट को रब कर रहे हैं एनिमल फर में, उनके बीच से एक फ्रिक्शन चल रहा है, फ्रिक्शन होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा दोनों के बीच में, जो दो ऑब्जेक्ट है एबोनाइट और एनिमल फर, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन चार्ज लगेगा और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो जो एबोनाइट है, एबोनाइट के पास ज़्यादा अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैन एनिमल फर। तो इसी कारण क्या होगा, जो एटम्स ऑफ एबोनाइट है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करेंगे एनिमल फर के मुताबिक। तो इसी कारण जो ज़्यादा पुल करता है तो एबोनाइट बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड एनिमल फर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जो एनिमल फर का जो भी नेगेटिव है तो पुल कर लिया, तो एनिमल फर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और एबोनाइट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इफ़ यू रब अ पीस ऑफ एबोनाइट अक्रॉस अ पीस ऑफ एनिमल फर, वॉट हैपन हैपन वॉट, एबोनाइट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड एनिमल फर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। फिर से जो मैं बोल रही हूँ उसको फिर से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग ये पढ़ा होगा, ये चैप्टर क्या क्लास 12 का है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब हम लोग बालों में कंघी करते हैं और बाल ड्राई होता है, वी कैन सी द अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स इसमें लगता है। तो अगर क्या हो कि अगर हम लोग का बाल गीला हो और तब हम लोग कॉम करें तो अट्रैक्ट होगा, क्या होगा? तो क्वेश्चन इस तरह है, ए कॉम रन थ्रू वंस हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बीट ऑफ पेपर। हम लोग देखते होंगे जैसे हम लोग कॉम में बालों में कॉम रब किए और उसको पेपर के पास ले गए, टुकड़े जो पेपर को टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं तो वो थोड़ा अट्रैक्ट करता है। वही अगर हम लोगों का बाल अगर गीला हो और फिर हम लोग कॉम से उसको रगड़ें और फिर उसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएं, तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा? तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर तो होगा कि वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, पर हम लोग को रीज़न आना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, रीज़न तो सबका होता है। तो जब हम लोग का बाल सूखा रहता है तो जो कॉम है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू ऑफ फ्रिक्शन, और वो स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट भी करते हैं क्योंकि पेपर जो होता है पोलराइज हो जाता है जब चार्ज आता है, तो और इसी कारण एक कॉम अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन वही हम लोग का जब बाल भींगा रहता है तो जो फ्रिक्शन काम करता है कॉम और हेयर के बीच में वो बहुत कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से कॉम चार्ज ही नहीं हो पाता है, तो अट्रैक्ट क्या करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो क्वेश्चन ये था, ए कॉम रन थ्रू वंस हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर, वॉट हैपन्स इफ द हेयर आर वेट और इफ इट इज़ अ रेनी डे। तो आंसर सिंपल है, कॉम चार्ज ही नहीं होगा और फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, डिक्रीज कर जाएगा कॉम और हेयर के बीच में, तो अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, इट विल नॉट अट्रैक्ट स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर। सिमिलरली एक क्वेश्चन आता है इसी से, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्लास 12। ऑन रबिंग अ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ, इलेक्ट्रॉन्स दिया है 6.84 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क रॉड, फाइंड द टोटल चार्ज ट्रांसफर। फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर, ऑल वी नो दैट Q इज इक्वल टू एनी, वी हैव टू फाइंड द चार्ज Q, एन दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.84 × 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन पता है चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, बस मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और भी बहुत सारे बन रहे हैं इसी कंसेप्ट को लेकर। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सर्फेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज 25 Vm। द फ्लक्स ओवर अ कॉन्सेंट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विल बी। देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि कैसे बनेगा, कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस होगा, ऐसे होगा, पर ऑल वी नो दैट जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स किसी पर डिपेंड ही नहीं करता है, ना कि शेप में, ना साइज में, ये डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज में। और चार्ज यहाँ दिया हुआ है डायरेक्ट, टोटल चार्ज इज 25 Vm, तो डायरेक्ट कुछ इसमें करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। द फ्लक्स ओवर अ कॉन्सेंट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विल बी फर्स्ट ऑप्शन 25 Vm। नाउ सी द सेकंड थर्ड क्वेश्चन। थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 μF ईच आर अवेलेबल, तो वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस। क्या होगा? तो अगर इसका एक वो फॉर्मूला होता है, अगर मिनिमम निकालना है तो कैपेसिटेंस है उसको सीरीज में कनेक्ट कीजिए, और सीरीज का फॉर्मूला वही है, बस 1/6 प्लस 1/6 थ्री है, थ्री कैपेसिटर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 विल गेट 1/2, देन आंसर विल बी 2 μF। एंड इफ मैक्सिमम कनेक्ट इन पैरेलल मींस ऐड ऑल 6 + 6 + 6 18। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू एन आइडियल बैटरी। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज डबल्ड द रिफ्लेक्शन विल इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन, और कल 5 क्वेश्चन कराया था, लेकिन सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। पहला का तो मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे बता दिया, सेकंड का भी वैसे ही है, थर्ड भी वैसे ही है, और फिफ्थ भी ऐसे ही है। तो कल के नेक्स्ट क्लास में सेकंड जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर फोकस किया जाएगा, उसके बाद कैपेसिटर पर फोकस किया जाएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास, ये क्वेश्चन और इसका रीज़न जो बताया मैंने? थैंक यू।